हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं मानी टेक सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका मेरा टॉपिक है वो है इको साउंड इफ़ेक्ट। किसी भी वीडियो में उसकी जो ओरिजिनल वॉइस है उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए इको साउंड में। इको साउंड जो है वो न सिर्फ ये कि आपकी वॉइस जो है या किसी भी वॉइस को जो है वो इंटरेस्टिंग बना देता है, जिसके ज़रिए जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको वो वॉइस सुनने में मज़ा आता है। तो वैसे तो इसको चेंज करने के लिए, यानी कि जो नॉर्मल वॉइस है उसको कन्वर्ट करने के लिए इको साउंड में बहुत सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन मौजूद हैं, जिसका रिज़ल्ट जो है वो लोगों को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता, जो काम करती हैं कुछ नहीं करती। लेकिन वजह खुद मुझे जो है जो पसंद है एप्लीकेशन, उसका नाम है काइन मास्टर। काइन मास्टर से आप इजी तरीके से अपनी कोई भी वीडियो हो, साउंड हो, या फिर आपका पर्सनल साउंड हो, वॉइस हो, या फिर कोई वीडियो हो, किसी भी फिल्म की या नॉर्मल कोई वीडियो हो, उसकी वॉइस को आप जो है वो उसमें इको साउंड इफेक्ट ला सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से आप जो है उसमें उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। तो उस एप्लीकेशन हम, जैसे मैंने बताया आपको, काइन मास्टर है। और काइन मास्टर का जो है मैं आपको बता देता हूँ कैसे उसको इंस्टॉल किया जाता है, और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका जो है लिंक मैं दे देता हूँ। तो आइए चलते हैं मेरी उस एप्लीकेशन की तरफ, काइन मास्टर, जिसके ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि इस तरीके से आपने वॉइस को जो है कन्वर्ट करना है इको साउंड में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट आपको जो है इस तरह की वीडियो ला सकूँ। तो आइए चलते हैं मानी टेक सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों अपनी काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं, जिसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी वीडियो के अंदर उसकी जो ओरिजिनल वॉइस है वो इको वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या इको साउंड इफ़ेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं, पहले देखते हैं कि किस तरीके से काइन मास्टर को इंस्टॉल किया जाता है। आपको अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा। यहाँ जाकर आप सिंपली टाइप कीजिए काइन मास्टर। तो ये देखिए, ये इस तरीके का इसको आपका इंटरफेस नज़र आएगा, जो कि आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाके इजीली जो है इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें दो वर्जन आते हैं, एक फ्री वर्जन और एक पेड। तो आप फ्री वाला इंस्टॉल कीजिए। तो आइए चलते हैं मेरी एप्लीकेशन की तरफ, जो मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है। ये देखिए, तो ये मैंने इसको क्लिक किया तो ये इस तरीके का इंटरफेस नज़र आया। यहाँ पर आपको ये चंद बॉक्स ऊपर नज़र आ रहे होंगे, ये मेरे प्रोजेक्ट हैं जो मैं, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो हमने अभी नए प्रोजेक्ट पे काम करना है, जिसमें कि आपको किसी वीडियो को सिलेक्ट करना है, जो कि इसमें एडिशन करनी है आपको, यानी जिसकी वॉइस को आपने कन्वर्ट करना है इको में। तो ये देखिए कि रेड सर्कल में प्लस का निशान है, ये न्यू प्रोजेक्ट है। तो आपने प्लस पे क्लिक किया तो ये देखिए तीन किस्म के एस्पेक्ट रेशो आपको दिखाएगा, ये वीडियो के साइज़ के मुताबिक होते हैं। तो हमने क्या करा, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो मैंने सबसे पहले वाला 16:9 सेलेक्ट किया। तो ये देखिए इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आ गया, उसी टाइप की स्क्रीन। तो हमने ये चार ऑप्शन ऊपर नज़र आ रहे हैं, इनकी मदद से एडिशन करनी है। तो हमने सबसे पहले वो वीडियो लेनी है जिसमें कि आपने एडिशन करनी है, मीन्स की वॉइस को चेंज करना है। तो हमने सबसे ऊपर वाले जो ऑप्शन है मीडिया, उसमें जाना होगा। तो ये देखिए आपकी गैलरी मिलेगी आपको, ये आपकी गैलरी में जो जो चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं, तो आपकी भी कोई ना कोई वीडियो जिसको आप चाहते हैं कि उसकी वॉइस को आप चेंज कर दें, कन्वर्ट कर दें इको में, तो वो यहाँ पर। तो मेरी फाइल जो है वीडियो वो यहाँ है, तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ मैंने क्लिक करके ओके कर दिया। तो ये देखिए ये फाइल यहाँ पर आ चुकी है मेरी वीडियो। तो सबसे पहले मैं इसका वॉइस थोड़ा स्लो कर देता हूँ। ये इसमें मैंने डायरेक्ट यहाँ रेड लाइन पे क्लिक किया, और ये देखिए ऊपर जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, कैंची का, सेटिंग का और एक वॉइस के स्पीकर का। तो मैं वॉइस के स्पीकर पे जाकर
और यहाँ से मैं इसकी वॉइस थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि जब आप उसको देखें तो उसका शोर आपको ज़्यादा ना लगे। इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ कि वॉइस कैसी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं मानी टेक सॉल्यूशन। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी वीडियो तो ये देखिए, इसकी वॉइस जो है इसमें एको नहीं है बिल्कुल भी, यानी इको साउंड आपने लाना है, मीन्स कि आवाज़ जो है वो गूंजदार होनी चाहिए जिसमें कि जो व्यूवर्स हैं उसको जो है वो आपकी वॉइस सुनने में मज़ा आए। तो उसको वॉइस में चेंज करने के लिए हमको इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। और ये देखिए ऊपर जो ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जो कैंची का जो ऑप्शन है इसको मैंने क्लिक करना है। तो उसके बाद ये जो ऑप्शन नीचे नज़र आ रहा है एक्सट्रैक्ट ऑडियो, तो मैंने सिंपली इसको क्लिक करना है। तो ये देखिए ग्रीन लाइन नीचे आ गई, ये वो एक्सट्रैक्ट ऑडियो है जो कि कन्वर्ट करके मुझे दी गई नीचे। तो मैं इसको ओके करता हूँ, मैं सुनता हूँ इसको प्ले करके। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं मानी टेक सॉल्यूशन। तो वॉइस में कोई चेंज नहीं आई, वैसे की वैसे ही है। अब मैंने क्या करना है, इसको थर्ड स्टेप करना है जिसमें कि अब इसको मैंने इसको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के लिए मैं इसको ग्रीन पर क्लिक करूँगा ऑडियो लिंक पे, और फिर मैं ये देखिए लेफ्ट साइड पे तीन डॉट नज़र आ रहे हैं, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए बोल रहे हैं डुप्लीकेट। तो मैंने इसको क्लिक करके तो देखिए कि नीचे दूसरी ग्रीन लाइन डुप्लीकेट लाइन आ चुकी है। तो सारा जो काम करेगी वो ये डुप्लीकेट लाइन ही करेगी। तो आइए देखिए कैसे करेगी। मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको सेकंड जो ग्रीन लाइन है मैं इसको कहीं से भी प्रेस करूँगा, और इसको मैं थोड़ा सा प्रेस कर थोड़ा सा इसको स्लाइटली फॉरवर्ड कर दूँगा, यानी कि आगे कर दूँगा राइट साइड। और अब मैं इसको सुनता हूँ प्ले करके। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं मानी टेक सॉल्यूशन। देखिए आपको फर्क साफ नज़र आया, वॉइस चेंज हो चुकी है और ये इको साउंड में ऑलरेडी इको इफेक्ट आ चुका है इसके अंदर, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम ज़्यादा करने के लिए आपको फिर दोबारा से इसके या तो इसको आगे कर दें या पीछे करें दोबारा, ताकि इसका थोड़ा सा गूंज जो है वो इसकी इको कम हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं मानी टेक सॉल्यूशन। किसी भी वीडियो को जो है इस तरीके से आप उसको उसका एको साउंड चेंज कर सकते हैं जब ये चेंज हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं मानी टेक सॉल्यूशन। अब आप इसको क्या करेंगे कि इसको आप सेव करेंगे, सेव करने के लिए शेयर का ऑप्शन लेफ्ट साइड पे आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये सेव होनी शुरू हो गई और ये जाके आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था वो तरीका जिसके ज़रिए आप बआसानी जो है किसी भी वीडियो की वॉइस को चेंज कर सकते हैं इको में, इको साउंड इफेक्ट। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, और यकीनन अब आप जान गए होंगे किस तरीके से आप किसी भी वीडियो में या अपनी ज़ाती वॉइस को जो है वो इको साउंड इफेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती, कुछ भी है, कोई इन्फॉर्मेशन है देनी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक।